साल के गदर के जमाने में एक कमजोर दिए ने तो उजाला बख्शा, देखना ये है उजालों ने किसे क्या बख्शा। अब हम क्या करेंगे, इसीलिए हमने आज की महफिल सजाई थी। अब मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट 84 में LLB करके अलीगढ़ से चला गया। इस जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा वैसा टॉपिक है जो हम लोग को बहुत मायूस कर देता है, मगर ज्यादातर स्पीकर्स बिफोर मी दे ऑल सेड समथिंग व्हिच वाज ऑफ द टॉपिक, बट आई मस्ट टेल यू दैट लेट मी स्टार्ट विद अ कंप्लेंट अबाउट लॉयर्स। इन्होंने कहा कि भाई आप मुख्तसर बोलेंगे, हमारा तरीका ये है कि हम 1000 पेज डॉक्यूमेंट को भी हम लोग ब्रीफ कहते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि खुदा महफूज रखे आपको तीनों बलाओं से, हकीमों से और हसीनों की निगाहों। I have written a book called Law, Humor and Urdu Poetry, and that would, in fact, I would come to law faculty and speak about them. But I only want to share two incidents from my Aligarh days. हमारे जमाने में एक साहब आए और उनका एडमिशन हुआ और उनका एक हॉल में एडमिशन हुआ और उनको एक 4-सीटर अलॉट हो गया। तो वो बहुत अमीर ख़ानदान से आए थे, उन्होंने कहा मैं साहब ऐसे 4-सीटर में नहीं रह सकता, मैं सिर्फ सिंगल सीटर में रहूँगा। तो एक साहब ने, उनके सीनियर ने बुलाया कि अलीगढ़ में एक ऐसी जगह है जहाँ हर शख्स को सिंगल सीटर अलॉट होता है। तो उन्होंने कहा साहब हमें बता दीजिए। तो ये साहब पहुंच गए, उन्होंने उनको मिंटो ई का एड्रेस दिया और वो वहाँ पहुंच गए। वहाँ देखा ना कोई वार्डन है ना प्रोवोस्ट है, किससे पूछा तो कोई सीनियर उनसे पूछे तुम कहाँ आए हो, तो सोचे शायद किसी जनाजे में आया होगा ये शख्स। तो बोले कि तुमको किसने भेजा, बोले सर हमारे एक बहुत अच्छे सीनियर, उन्होंने कहा यहाँ मुझे सिंगल सीटर मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम शमशाद मार्केट चले जाओ और वहाँ एक घंटा गुजारो और वापस अपने सीनियर के पास जाओ और कहो कि सर मैं मिंटो ही गया था लेकिन आपका जनाजा वहाँ नहीं पहुँचा। Now I tell you, I was the union vice president when I was studying here. I was elected as a union vice president and उस जमाने में हमारे कमर आलम साहब प्रेसिडेंट थे और एक और सेक्रेटरी थे, उन्होंने वाइस चांसलर की गाड़ी जला दी थी और उन्होंने दोनों रस्टिकेट हो गए थे। एंड मैं हबीब हॉल से जब यूनियन की तरफ जाता था तो सब कहते थे देखो यूनियन जा रही है। एंड तो आई मस्ट टेल यू, हमारे ज़माने में मैंने एक सेमिनार करवाया और उस सेमिनार में एक साहब आए जो जिन्ना के सेक्रेटरी थे। एंड आई इन्वाइटेड हिम फॉर अ सेमिनार इन दैट ही केम एंड स्पोक एंड ही सेड टू थिंग्स। अलीगढ़ में दो तरह के तालिब इल्म हमेशा रहे हैं, एक वो जो जिनको अलीगढ़ इस्तेमाल करता है और एक वो जो अलीगढ़ को इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि खुशकिस्मत हैं वो अलीगेरियंस जो अलीगढ़ छोड़ देते हैं। एंड देन यू नो आई फ्रॉम कैनेडी हॉल, देयर इज अ फंक्शन वाज इन दिस हॉल, कैनेडी हॉल में मैं सैयद हामिद साहब के पास गया, हु वाज द वाइस चांसलर, एंड आई टोल्ड हिम कि सर मैं अलीगढ़ छोड़ रहा हूँ। तो ही सेड प्लीज डोंट डू दैट, अपन तुमने बच्चों को संभाल के रखा। हमने कहा सर नहीं मैं जा रहा हूँ। ही सेड वेयर आर यू गोइंग, आई सेड कि आई विल गो टू रांची, माय ग्रैंडफादर इज इन द पुलिस एंड ही हैज पुट मी बिफोर अ वेरी एमिनेंट लॉयर। ही सेड व्हाई डू यू वांट टू गो टू रांची, यू विल रॉट, यू शुड गो टू सुप्रीम कोर्ट। आई सेड आई डोंट नो एनीबडी, बट उन्होंने खैर बहरहाल मुझे भेज दिया। और हबीब हॉल में मेरी एक साइकिल थी जिस साइकिल से हम लोग दिल्ली गए थे अपने ज़माने में, और उस साइकिल को मैंने, हमारा एक बेरर था उसको मैंने दिया था। बट सॉरी फॉर स्लाइटली बीइंग दिस थिंग, बट हमारे ज़माने में यूनियन हॉल में और उसको मैं चाबी देने जा रहा था तो उसने एक साहब मिले शहीद भाई जो आपके वेस्ट एशियन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, इसे कि मेरा भाई है जो जस्टिस तारकुंडे को बहुत अच्छे से जानता है, तुम जाना। तो मैंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस लिए थे एंड आई वेंट देयर।
बट बिफोर आई लेफ्ट अलीगढ़ व्हाइल आई वाज इन यूनियन मैंने एक धरना दिया था और हमारे जो एम्प्लॉयज थे उनको सिर्फ 800 सैलरी मिलती थी तो उनकी सैलरी को मैंने इंक्रीज करा के 1400 करवाया था. तो वो दिस इज जस्ट बी फ्लैट. तो व्हेन आई वेंट टू अलीगढ़ आई डिडंट गेट एनी डिस्टिंक्ट प्लेसमेंट. फाइनली आई वेंट बार्ज इनटू मिस्टर तारकुंडेज हाउस एंड आई गॉट एन एम्प्लॉयमेंट एंड माई सैलरी इन दोज डेज व्हेन आई गॉट इनटू इट प्राइम मिनिस्टर से नीचे बनने का ख्वाब नहीं था लेकिन जब मेरी सैलरी फिक्स थी तो मेरी सैलरी 800 थी. अब आखिरी बात आप यंग बच्चों को बता दूं कि जब मैं अपना एक मकान ढूंढने गया तो मेरे चार डिस्क्वालिफिकेशंस थे. पहला, छड़ा को नहीं देंगे, मीन्स बैचलर को नहीं देंगे. नंबर टू, बिहारी को नहीं देंगे. नंबर थ्री, मुसलमान को नहीं देंगे. नंबर फोर, वकील को नहीं देंगे. एंड आई हैड ऑल द फोर डिस्क्वालिफिकेशन. एंड फाइनली आई गॉट अ हाउस एंड माय रेंटल वाज ₹800 पर मंथ एंड आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम देयर. बट लेट मी जस्ट ओनली बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ते हैं? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ते हैं. आइए अल्लाह आखिरी मुकाबले फोटो.